अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ट्यूटर। मैं हूं मोहम्मद नादिर और आप देख रहे हैं इस वक्त एफएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पहली क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, और इसका एक मॉडर्न डेफिनेशन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, लिविंग थिंग में जो है एनिमल्स है और प्लांट्स है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो है वाटर है। अब जो है एक वाटर जो है एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, एनिमल जो है एनिमल और प्लांट ये जो है एक लिविंग थिंग्स है। अब विदाउट वाटर एनिमल्स और प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो इसी तरह वाटर के बगैर जो है जो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है ये जो है जिंदा नहीं रह सकते। इस वजह से इसका मॉडर्न डेफिनेशन बना कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ को डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कि जिस चीज़ में भी ये करेक्टरिस्टिक्स पाए गए तो वो उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हमारे बॉडी में जो है ऑर्गन्स है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स है, ये सब मिलके एक बॉडी बना रहा है, तो ठीक है। अगर किसी चीज़ में यही मतलब यही सिस्टम पाया गया कि हाईली ऑर्गेनाइज, तो उस समय उसके उसमें जो है लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। सेकेंड जो है करेक्टरिस्टिक जो है कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स। अब वन में जो है यूकैरियोट सेल्स आ रहा है, ठीक है। सॉरी, वन में प्रोकैरियोट आ रहा है और जो है मोर सेल्स में यूकैरियोट। वन में जो है यूनिसेल्यूलर भी आ सकता है, इसमें बैक्टीरिया भी है, कुछ ऐसे प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पे वन में आ रहा है, जो कि एक सेल पे मुश्तमिल है, ठीक है। यूनिसेल्यूलर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एक सेल पे मुश्तमिल है, इसे हम प्रोकैरियोट कहते हैं। और मोर में यूकैरियोट आ रहा है, जैसे कि हमारे बॉडी में बिलियंस के हिसाब से जो है सेल्स पाए जाते हैं, तो इसी तरह कंपोज ऑफ वन और मोर सेल, वन मीन प्रोकैरियोट और मोर मीन जो है यूकैरियोट, ठीक है। थर्ड जो है कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा जो है कोई काम परफॉर्म करे और उसका जो है एनर्जी भी यूज ना हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा भी एनर्जी जो है वो यूज हो रहा है, तो अब जो है यहाँ पे कह रहा है कि कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, जो भी मतलब मैं जो भी काम परफॉर्म करें हम उसमें जो है एनर्जी ज़रूर यूज़ होता है, तो इस वजह से कह रहा है कि कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। फोर्थ जो है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम मींस हमारे जो है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, यूएस डीएनए की बात कर रहे हैं। अब डीएनए का क्या काम क्या है कि वो जेनेटिक, उसके पास जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास, तो कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ये इसका फोर्थ जो है करेक्टरिस्टिक्स है। फिफ्थ जो है केमिकल रिएक्शंस, हमारे बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म का जो अमल है उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी कन्वर्ट होता है, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फिर जो है ग्रो इन साइज, अब ग्रो इन साइज हम जब पैदा हुए तो उस वक्त जो है हमारा साइज जो है तकरीबन एक फीट था या फिर आधा फीट था, ठीक है। स्लो हम लोगों का जो है ये साइज ग्रो हो रहा है, तो ग्रो इन साइज बस का जो है ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होता है, बाज़ लोगों का जो है कद ज़्यादा लंबा होता है और कुछ का जो है वहीं पे रह जाता है। उसके बाद लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। अब जो है ह्यूमन बींग्स है उसमें उससे जो है एक ह्यूमन बींग ही जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कोई और जो है एनिमल प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह जो है यहाँ पे कह रहा है कि प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स यानी सेम टू सेम उसी तरह ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग ही प्रोड्यूस होगा, और जो कैट्स है उससे एक सेम कैट्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, इसको जो है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। अब ये वो करेक्टरिस्टिक्स है जिस चीज़ में भी ये पाए गए तो उस समझो उसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये आज का हमारा सिंपल टॉपिक था कि बायोलॉजी क्या है, और उसमें जो है उसके बाद लाइफ का मैंने आप लोगों को बताया कि लाइफ क्या है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।